Good morning, all of you. This is your Anjali ma'am. It's a pleasure to meet you again in my class. Hope you all are well and your study. आपकी study भी बहुत अच्छे से चल रही है. आपको पता है आज मैम क्या करने वाली है? Tell me. देखिए, आपने reading कर ली है स्वर और व्यंजन की. आपने written में भी लिख लिया है. तो आज मैम क्या करने वाली है? अब मैम को पता होना चाहिए ना कि आपने वो साउंड्स लर्न है उसके या नहीं लर्न है. तो उसके लिए आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम डिक्टेशन, हिंदी डिक्टेशन, इट मीन्स आज हम श्रुतलेख करने वाले हैं. कौन सी श्रुतलेख करेंगे आज हम? स्वर व्यंजन दोनों? नहीं, आज हम सिर्फ स्वर की व्यंजन करेंगे. स्वर करेंगे, फिर अगली क्लास में आपको व्यंजन की श्रुतलेख कराएंगे. और इरेजर लेके मैम के सामने बैठी है. वो स्टार्ट करिए. चलिए मैम आपको थोड़ा सा टाइम दे रही है. आज हम डिक्टेशन करने वाले हैं हिंदी में श्रुतलेख. आपको पता है हिंदी में श्रुतलेख का क्या मतलब होता है? श्रुतलेख इट मीन्स हम सुनेंगे और फिर लिखेंगे. सुनकर लिखना इसका मतलब होता है, सुनकर लिखना. अब मैम आपको कुछ बोल रही है, आप सुन रही हो ना, तो आप सुनोगे और उसको लिखोगे. तो इट मीन्स श्रुतलेख. आज हम स्वर की करने वाले हैं. अच्छा, स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, आ, ई, ई, रिमेम्बर, याद है आपको? तो चलिए अब रेडी हो जाइए. मैम ने आपको टाइम भी दे दिया था, तो आई होप कि आप सब रेडी हो गए होंगे. तो उसके लिए अब मैम क्या करेगी? पहले मैम को लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी ना. ऐसे ही आपको भी करना है. ओके, तो अब पहले हम जैसे मैम का ही पेज ओपन हो गया, सेम एज पेज आपका ही है, तो आपको यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं. मैम आपको 10 डिक्टेशन बोलने वाली है, 10 नंबर्स. आपको डिक्टेशन के मैम 10 बोलेंगी, 10 डिक्टेशन बोलेंगी. उसके बाद आप कितनी भी घर पर प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, सो दिस इज 1, 2, 3, 4. ओके, नेक्स्ट इज 5, नाउ 6, देन 7, 8, 9. आपको भी ऐसे ही मैम की तरह नंबर्स लिखने हैं. ओके, ऐसे. तो अब मैम फर्स्ट नंबर पर मैम क्या बोलेंगी पता है आपको? मैम ने पहले बोलना है, सबसे पहले मैम क्या बोल रही है आपको? आ. कौन सा साउंड आ रहा है ये? आ. मैम ने आपको बोला था ना, आ. आ से क्या होता है? रिमेम्बर, आ से क्या होता है? यस, आ. तो कैसे लिखेंगे हम आ पता है आपको? आ. नीचे की लाइन को टच किया, थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाना है. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग और अगेन स्टैंडिंग. ये हमारा कौन सा लेटर बन गया है, कौन सा अक्षर बन गया है? आ. आ से क्या होता है? आ से, जल्दी बताइए. आम. उसके बाद नंबर 2 पर मैम बोल रही है आपको अंग. अंग. अंग से क्या होता है, जल्दी बताइए. अंग. मैम आपको पूरा नहीं बताएगी, आ आम लिखिए. दिस इज रॉन्ग मेथड. मैम सिर्फ आपको साउंड्स बताएंगी. अंग. अब आपको पता होना चाहिए अंग से क्या है. टीचर्स भी वॉच की है, आपने रीडिंग भी की है, तो अंग से मैम नहीं बताएगी, आपको सिर्फ अंग लिखना है. तो वो हम कैसे लिखेंगे? सेम वही पैटर्न जैसे हम अ आ बनाते हैं. ऊपर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और सिंगल डॉट. अंग. नंबर 3 पर आपको लिखना है ऊ, नॉट उ. मैम बोल रही है ऊ. साउंड थोड़ा लंबा है ना,
इट मींस आपको पता चल जाएगा आपको क्या लिखना है। ओ यस, आई एम श्योर कि आप सब मैम को फॉलो कर रहे हैं और आप सब लिख भी रहे हैं। नंबर 3 है ओ, तो कैसे लिखना है, हमें टेल बनानी है। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज ओ। ओ, ओ से क्या होता है, ओ से नॉट इंग्लिश लेटर, ओ से क्या होता है ओखली, पता चल गया आपको। अब आपको लिखना है ओ, ओ आप कैसे लिखेंगे, अगेन आपने अ बनाया, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाई और इसके ऊपर वन टेल बना दी, ओ। ओके, देखिए ये आपकी फर्स्ट टाइम है कि मैम आपको डिक्टेशन बोल रही है, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि शुद्धलेख करते कैसे हैं। तो आज मैम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रही है, लेकिन बाकी टाइम मैम आपकी हेल्प नहीं करेगी, आपको सेल्फ प्रिपेयर रहना है। ओके, नेक्स्ट इज री। री से क्या होता है, री जल्दी जल्दी बताइए, री यस। तो नंबर 5 पर आपको लिखना है री, स्लैंटिंग लाइंस 2 बनाई, फिर राउंड हाफ सर्कल एंड अगेन हाफ सर्कल अप, दिस इज री। री से क्या होता है, री से ऋषि, और री से आपने क्या रीड किया था, ऋषभ, यस। नंबर 6 इज, नंबर 6 इज लोंगे, तो कौन सा ई आएगा, ई नॉट ई, मैम बोल रही है ई, यस। ई से क्या होता है, ई, तो आपको ई बनानी है और इसके ऊपर हाफ कर, ओके। नाउ नेक्स्ट नंबर इज आओ। आओ, आओ कैसे बनाएंगे पता है आपको, चलिए बनाइए, जल्दी से रेडी हो जाइए, जल्दी से बनाइए। ओ, पहले कौन बनाएगा, मैम या आप, इसके ऊपर आप टेल आएगी, वन टेल, मात्रा वो मात्रा यहाँ पर लग, टू। नंबर 8 इज अ। ये तो बहुत सिंपल है, और आपको पता है ये स्वर का फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है अ, यस, सिंपल। और मैम स्मॉल सा माउथ ओपन कर रही है, छोटा माउथ ओपन कर रही है, अ कैसे लिखना है, अ, अ से क्या होता है, मैम ने आपको बताया था ना, अ अनार, अ अदरक, अ अजगर, तो दिस लेटर इज अ। ये कौन सा लेटर बन गया है, कौन सा अक्षर है, अ। नाउ नंबर 9 इज ई। अब मैम ने तो इसको क्विकली बोल दिया है ई, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा साउंड है, ई, ई, इमली, यस। तो इसमें आपको ऊपर टेल, ऊपर कर्व नहीं बनाना है, ई, तो उसके लिए स्मॉल वन, राउंड, टर्न एंड टेल, ओके। अब आप ये देखिए यहाँ पर मैम जो अक्षर लिख रही हैं, मैम ने आउट ऑफ लाइन लिखा है, नहीं लिखा है ना, आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है, ओके। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट वन इज अह, 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 खाली, बस आपको क्या करना है इसमें, अ और यहाँ पर टू डॉट्स, ओके। तो ये हो गई है हमारी श्रुतलेख, मैम ने आपको 1 to 10 बोले हैं। अब आपको घर पर क्या करना है, आपको अभी इसमें मैम ने पूरे कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन जो बाकी रह गए हैं आप उनको भी इसके साथ ऐड करके सारे जितने भी स्वर है सबकी आप श्रुतलेख लिखेंगे, ओके। लेकिन अब मैम जा रही है, मैम वापस आएंगी, लेकिन तब तक आपको सारे व्यंजन क से ह तक लर्न करने हैं। उसके बाद जब मैम नेक्स्ट क्लास लेगी उसमें आपको श्रुतलेख बोलेंगी व्यंजन की, व्यंजन क से ह तक, तब तक आई होप कि आप उसे लर्न कर लेंगे, ओके। सो नाउ टेक केयर, गुड बाय, सी यू लेटर।